है वो आपके दोस्त में और कहीं नहीं। आपने जो हमको भेजा मेरे जॉब रख लेता है पता नहीं चलता, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो आप जो भी आंदोलन चलाते हैं उनकी रिपोर्ट आप युवा प्रकोष्ठ के नाम से गई थी, एक फोटो और थोड़ी सी न्यूज। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमको नेट भेजिए, आपकी समस्याएं भी पूछिए, हम तो नेट पे ही काम करते हैं। परंतु आप हमको इंटरनेट से ईमेल कर दीजिए, फोटोग्राफ भेज करिए और आपकी न्यूज भेज करिए। परंतु ये कार्य अनिवार्य है कि जो संगठन बनेगा उसकी जवाबदारी होगी कि ये इस तरह का अनुवर्तन का काम है, रिपोर्टिंग का काम है, कलेक्ट करे प्रांत स्तर की बात और शांति मंच भेजे। हम तो चाहते हैं कि 1% आपका शांति मंच हमारे प्रजा पार्षद में 1% बिहार के नाम से लेते हैं। हम एक अरब से 4 पेज का प्रशिष्ट आपके नाम से निकालेंगे, आप बनाइए तैयार व्यवस्था बनाइए, गर्व प्रशिष्ट रहेगा पूरे बिहार के आंदोलन की सप्त आंदोलन में जो की जानकारी है। इस तरह से आपको रिपोर्टिंग का ध्यान करना है। और एक अनिवार्य विषय और है अंतिम जो है वो है अनुवर्तन फॉलो अप। अगर फॉलो अप नहीं है तो सब बेकार है। आप बहुत अच्छा काम करें फिर भूल गए। एक बार गांव है, डॉक्टर साहब बताया कि वो गांव गांव जाकर के चिकित्सा का कैंप लगा रहे हैं, हमने उनसे एक निवेदन किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया, धन्यवाद उनको। परंतु दूसरी बार नहीं गए तो एक बार में किसी का स्वास्थ्य ठीक होगा नहीं। अनुवर्तन रिपीटेशन रिपीटेशन फॉलो अप, बार बार क्षेत्र में जाना, बार बार कम जगह जाए, हम 85 गांव में जाए परंतु 50 गांव में जाकर रिपीटेडली जाए, बार बार जाए, अंतराल से जाए, तब जाकर कोई आंदोलन खड़ा होता है भाई का। वैसे सूचना हो जाती है जहां जाने की, ज्योति दिखाने आप जा सकते हो पर ज्योति जलाना है तो गांव में रुकना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, ज्योति से ज्योति जलानी होगी। इसलिए आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि चीजों करें। एक पुस्तक हमने प्रकाशित किए उत्तिष्ठ जागरण, धरते हुए हमसे हम लोग ला भी पाए पुस्तक है। आप शांति मंच से पुस्तक है, पुस्तक केंद्र से प्राप्त कर सकते हो जाते जाते भाई से। इसमें युवा प्रकोष्ठ के आंदोलन का सारा स्वरूप दिया हुआ है, हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके विषय में भी जानकारी है। अभी हम आपको करीब 12-13 तरह के 8-10 तरह के ये ब्रोशर आपको दे रहे हैं। इन ब्रोशर में लगभग जो बातें मैंने आपको बताई है उनसे सबसे संबंधित बात है। अतिरिक्त बात इसमें देख सकते विश्वविद्यालय की हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं आप बच्चों को भेजिए, वो आपका जो नालंदा का गौरव आपके पास है ना, ये गौरव क्रिएट हो रहा है, एक ऐसा गौरव विकसित हो रहा है देश में जो नालंदा और तक्षशिला की स्टैंड में डेवलप होगा। तो आप तक्षशिला और नालंदा के थोड़ा सा सोचिए, यहाँ से बच्चों को स्पॉन्सर करिए, देखिए कुछ बच्चों के अभिभावक बन जाइए, उनके माता पिता बन जाइए, मित्र बन जाइए, उनकी फीस उठाइए और बच्चों को देश सबसे विश्वविद्यालय में पढ़ाइए। तो आप उसके लिए हमने इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं सरकारी चीजें दी हैं, जो अलग अलग चीजें हमने आपको बताई, 1 करोड़ कहाँ से मिलता है इसका विवरण भी विशेष दिया हुआ है। इस तरह से हर चीज का डिटेल हमने इसमें दिया है, युतमा योजना का सूख कुछ गुबर की प्रेरणा सब कुछ इसमें है। ये जिले बार आप पत्र हमसे ले लें वहाँ काउंटर पर रखे हुए। मैं समझता हूँ कि मेरी बात का वक्त पूरी समाप्त हो रही है, अंत में छोटी सी बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों इस संगठन से इस महान अभियान से जुड़े रहना, छूटना मत, बिछड़ना मत, कोई भाई हमसे बिछड़ने ना पाए, कोई हमसे अलग ना होने पाए, हम सब एक दूसरे की छाती से छाती चिपका रहे हैं। ये कोई कारपोरेट नहीं है जिसमें कहीं कुछ दूसरे तरीके की बात होती है, हम तो जब मिले तो थोड़ा सा सीना तान करके बाहें फैला करके एक दूसरे से चिपटिए, आनंद अपनी आत्मा का उल्लास का विस्तार करिए, हमारे संगठन के साथ सहगौरव करिए। ये शिकायत हमको कहीं ना मिले किसी भी जिले में कि हम संगठन से हमारी संगति नहीं बैठ रहे। अगर युवा की संगति नहीं बैठी बात जमे ही नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ गांधी जी, गांधी जी का जीवन जानते हैं, आधी धोती पहनते थे गांधी और जवाहरलाल नेहरू कपड़े विदेश धुलने जाते थे। कभी गांधी ने शिकायत की कि नेहरू से संगति नहीं बैठ रही, सैद्धांतिक रूप से दोनों अलग अलग, परंतु कभी गांधी जी ने यह नहीं कहा कि मेरी संगति नहीं बैठ रही। कितने विपरीत परिस्थितियों में संगति उठाई, देश को आजाद कराया है भाइयों, हमको भी कुछ बड़ी उस आजादी से भी बड़ा आंदोलन करना है, बड़ा युद्ध लड़ना है। इसलिए हमारे दिल खूब चौड़े हो जाए, छोटी छोटी सी बातों में एक भाई ने मेरे से कह दिया ऐसा तो मैंने कहा मैं अब शक्ति पीठ नहीं आऊंगा। तो भैया गुरु जी से दुश्मनी है तो भाई से दे दुश्मनी, भाई से और निकाल कर गुरु जी से। एक आदमी गड़बड़ करता है शक्ति पीठ पर, एक आदमी गड़बड़ कर रहा है 10 आदमी उसके पीछे लगे हैं तो 11 आदमी गड़बड़ कर रहे हैं, 11 आदमी बेकार, एक आदमी बेकार था उसको ले जाने के लिए एक बेकार हो जाए कोई बात नहीं गड़बड़ जाता है, वो 10 आदमी काम करने वाले उसके पीछे लग जाते हैं, वो 11 आदमी बटाए।
होता है। तो आप इस तरह की कोई विपत्ति में ईंट में गिट्टी में रोबर में सीमेंट में छड़ना मत जो आप जीवंत लोगों से कॉन्टेक्ट करो, देव प्रतिमाओं से संपर्क करो। ये भाई कह रहे थे कोटी नहीं मुंडियों की बात करो। अध्याय और कोर्स समाप्त नहीं हुआ है, जरूर मैं थोड़ा संशोधन करूंगा उस भाई की बात में। जब गायत्री का कोई कोर्स स्वयं खत्म नहीं हुआ वो तो चलेगा ही, वो तो आधार है, परंतु मुंडी की बात करो। मुंडी इसलिए मुंडी बनती है प्यार से, एक दूसरे में प्यार बांटेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार बांटेंगे, एक सूत्र को सदा स्मरण रखेंगे, सलाह लो और सम्मान। ये नीति पे चलना है। शालीनता बिना मोल मिलती है, पर उसे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये दो ही सूत्र युवाओं के लिए। अगर ये दो सूत्रों का अनुपालन कर लिया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी कहीं भी संगति नहीं होगी। आपको लोग आपके बड़े भाई गोद में उठा के घूमेंगे, आपका सहयोग करेंगे। ये भावनाओं के साथ में आप सब भाइयों के मंगल की कामना करता हूँ। इन आंदोलनों को आप दिन दिन व्यापी बनाए, कि छोटी छोटी चीजों को आंदोलन में कन्वर्ट करने, जैसे पटना वालों ने एक आंदोलन बना दिया। आप ऐसे हर चीज को एक आंदोलन बना दो। हमारे मध्य प्रदेश पश्चिम मध्य प्रदेश के भाइयों ने दुष्कर्मों को आंदोलन बना दिया। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े लोग उनके पास जा रहे हैं। तो ऐसे आंदोलन बनाए, हमारे छोटे छोटे से कार्यक्रम आंदोलन में तब्दील हो जाए और देश का हर वर्ग उसमें शामिल हो, यही हमारा लक्ष्य। इसी भावना के साथ में आप सबके मंगल की शुभ की कामना करते हुए।